हाउ टू इनेबल बोल्टी 4G सिम इन एंड्रॉयड, यानी हमारा जो 4G सिम होता है, ठीक है, यदि मान लीजिए आपके एंड्रॉयड में एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, मतलब कि मान लीजिए आपका जो 4G नहीं आ रहा है, वोल्टी नहीं आ रहा है, तो इसके लिए क्या प्रोसेस अपना सकते हैं, इसके लिए क्या प्रोसेस होता है वो देखेंगे इस वीडियो में। जैसा कि देख रहे हैं मेरा मोबाइल है, मैं इसमें दिखाना चाहता हूँ आपको कि अगर आपका जो 4G सिम एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, मतलब 4G नहीं दिखा रहा है, वोल्टी नहीं दिखा रहा है, तो क्या करेंगे। जैसा कि पहले तरीके आप अपनाएंगे कि आप डायरेक्ट यहाँ पर मोबाइल डाटा पर जाएंगे, और यहाँ पर जाने के बाद आप अपने सिम पर जाएंगे, और यहाँ प्रीफर्ड टाइप पे जाके आप यहाँ पे जो प्रीफर वोल्टी है वो यहाँ पे जाके आप क्लिक कर देंगे यहाँ पे जाकर, ठीक है। ये तो पहला आप तरीका अपनाते हैं। लेकिन अगर ये भी काम नहीं करता है, ठीक है, अगर वोल्टी आपको नहीं आ रहा है, 4G नहीं आ रहा है, तो क्या कर सकते हैं, तो इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि डायरेक्ट जाइए यहाँ डायलर पर, ओके, और यहाँ पर आप नंबर डायल करिए, एक वो नंबर क्या है, *#*4636*#*, जैसे क्लिक करेंगे, ठीक है, वैसे आपका टेस्टिंग निकालेगा, मतलब एक ओपन होगा विंडो, उसमें लिखा होगा फोन इन्फॉर्मेशन 1, फोन इन्फॉर्मेशन 2 और वाईफाई इन्फॉर्मेशन। तो हमको क्या करना, हमको जाना है यहाँ पे फोन इन्फॉर्मेशन पे, और यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट फोन इंडेक्स, फोन 0, IMEI नंबर, जितना नंबर ये सारे सारा आपका आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जाएंगे, देखिए सेट प्रीफर्ड, यहाँ पे देख रहे हैं नेटवर्क है, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन यहाँ पे LTE ओनली, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे LTE ओनली, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, आप यहाँ पे मोबाइल रेडियो पावर है, इसको भी क्या कर देंगे ऑफ है, तो आप ऑन कर सकते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे ओल्ड यहाँ पे ऑन कर दीजिए, अच्छा रहेगा। फिर ओल्ड प्रोविजनल है, यहाँ पे क्या करना है, ऑन कर सकते हैं, एक बार क्या करेंगे ऑन और ऑफ करके यहाँ पे एक बार ऑफ कर देंगे, ठीक है, तो अच्छा रहेगा। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद नीचे आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं रन पिंग, यहाँ पे टेक्स्ट है, यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे एक बार क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद और नीचे आएंगे, यहाँ पे देख रहे हैं हमारा यहाँ पे काम हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे रिफ्रेश पे, तो यहाँ पे क्या करना, रिफ्रेश करेंगे, जैसे रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे कुछ ना कुछ आएगा, फिर यहाँ पे अपडेट कर देंगे, ठीक है। अपडेट करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा हमारा प्रोसेस, उसके बाद हम आएंगे यहाँ बैक हो जाएंगे, और बैक होने के बाद हम डायरेक्ट यहाँ पीछे आएंगे और जाएंगे हम यहाँ पे सेटिंग पे, ठीक है। उतना उधर काम करने के बाद आप डायरेक्ट यहाँ आएंगे सेटिंग पे, और सेटिंग पे आने के बाद आपको यहाँ पे देखिएगा सेटिंग में आएंगे सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क्स पे, ठीक है। वहाँ पे आने के बाद डायरेक्ट यहाँ पे जब भी आपको सिम वहाँ पे जाएंगे, मैं यहाँ पे मेरा मान लीजिए सिम यहाँ पे पहले यहाँ पे देखिए ऑलवेज रिसीव MMS है कि नहीं, यहाँ पे ऑन है, फिर मैं डायरेक्ट यहाँ पे आऊँगा वोडाफोन इन पे, मैं जो भी आपका सिम होगा। उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे, देखिए हमारा यहाँ, फिर यहाँ चेक कर लीजिए क्या वोल्टी है कि नहीं प्रीफर, ठीक है। उसके बाद यहाँ बैक होइए, और बैक होने के बाद आप डायरेक्ट यहाँ पे आइए एक्सेस पॉइंट नेम्स पे, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद देख रहे हैं यहाँ पे वोडाफोन हमारा है, ठीक है, आपका एयरटेल कुछ भी हो सकता है। फिर यहाँ पे आएंगे MMS को नेम हमारा, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे एडिट एक्सेस पॉइंट के अंदर आएंगे, तो जो भी आपका सिम हो उसका नाम लिखा होगा, ये बाय डिफॉल्ट आता है। फिर APN का नाम लिखा होगा, प्रॉक्सी लिखा होगा, पोर्ट नार्सेट है मेरा, यूजर नेम भी लिखा होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ पे पासवर्ड भी नहीं लिखा रहता है, ये ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट रहता है। फिर यहाँ पे सर्वर पे आप क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं सर्वर पे www.google और यहाँ पे लिख देंगे .com, ओके। यहाँ पर लिखने के बाद क्या कर देंगे, यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर MMC आएंगे, यहाँ पे देखें यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ये तो अपने यहाँ पर बाई डिफ़ॉल्ट होगा, जो भी आपका सिम को उसके अनुसार रहता है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, सबसे नीचे आएंगे, और यहाँ पे देखेंगे हमारा लिखा है APN टाइप, तो यहाँ भी देखेंगे यहाँ भी पूरी तरह से यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम डायरेक्ट APN यहाँ पे कंट्रोल है, यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे आप IPv4 कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे APN रूमिंग कंट्रोल, यहाँ भी IPv4 कर सकते हैं। फिर यहाँ पर नीचे आएंगे, देखें इनेबल है कि नहीं है, और यहाँ पर नीचे आएंगे बीरर पे, तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे आप जो LTE 1 नहीं बल्कि, और यहाँ पर LTE पर क्लिक कर देंगे, इसको अनचेक कर देंगे, और यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे MVNO टाइप पे जो नन है हमारा, वो ऑलरेडी नन है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे क्योंकि आप यहाँ पे अगर IMSI करेंगे, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ नंबर आएगा, तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट यहाँ पे हटा कर इसको आप एक्स कर दीजिए, सही रहेगा, उसे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आप कर सकते हैं उसके, ठीक है, या डायरेक्ट एक्स कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ बताया आपको कि नार्सेट मैंने किया हुआ है, उसके बाद आप फिर दोबारा आप जाएंगे यहाँ पे IMSI करेंगे, फिर नन कर देंगे, इसको नन करने के बाद यहाँ पे कुछ भी सेट नहीं होगा, नन करेंगे, ठीक है, बस इतना ही आपको करना होता है। फिर आप दोबारा जाएंगे यहाँ पे बैक होके, ठीक है, यहाँ पे चेंज कर देंगे, जो ओके हो जाए ओके कर देंगे, चेंज हो जाएगा, ठीक है, चेंज करना चाहते हैं तो। फिर यहाँ पे आएंगे आप बैक होके आएंगे, और यहाँ फिर आप देखेंगे प्रीफर नेटवर्क टाइप है कि वोल्टी है कि नहीं है, और आप देखेंगे आपका जो 4G नेटवर्क है वो आपका आ जाएगा आराम से, और आपका जो मोबाइल का जो नेटवर्क है 4G वो आ सकता है। इस तरह से आप चाहें बहुत आसानी से इसको एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।